हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको एक कोरियन मूवी जिसका नाम है हेलो गोस्ट, ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक कॉमेडी मूवी है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है सांगमान से, जो हमारा मेन लीड कैरेक्टर है, जो पिल्स खाकर जान देने की कोशिश करता है, पर तभी उसका मकान मालिक आकर उसे बचा लेता है। सांगमान एक ऑर्फन है जिसका दुनिया में कोई नहीं है, ना वो किसी को जानता है ना कोई उसे जानता है, तो इसीलिए वो इस दुनिया से जाना चाहता है और इसके लिए कई कोशिशें भी करता है, कभी पिल्स खाकर कभी नदी में छलांग लगाकर, पर ये पापी दुनिया उसे इस दुनिया से जाने ही नहीं देती। एक बार ऐसे ही एक अनसक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट से बचने के बाद उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, जहां वो अपने बेड पे एक आदमी को बैठा देखता है जिससे वो बातें करता है, तो लोगों को वो पागल नजर आता है। तो उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास लाते हैं, जो उसे पूछता है कि वो कैसा है, क्या अभी भी उसे सुसाइड करने का मन हो रहा है या कोई उसे मोटिवेट करता है। तो सांगमान बोलता है कि मन तो उसका अभी भी करता है, पर ये दुनिया वाले उसकी जान की दुश्मन बने हैं, जो उसे मरने ही नहीं देते और कोई उसे मोटिवेट नहीं करता, वो खुद से खुद को इन्फ्लुएंस करता है। और तभी वहाँ डॉक्टर के रूम में एक अलमीरे में से उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है, और जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक लेडी को रोते हुए देखता है, जो उसे सॉरी बोलती है। और सांगमान डॉक्टर पे गुस्सा करता है कि अगर कोई पेशेंट पागल हो जाए तो क्या वो उसे अलमारी में बंद कर देगा, वो कैसा डॉक्टर है। अब बात ये थी कि ये एक्स्ट्रा लोग सिर्फ सांगमान को ही दिख रहे थे और किसी को नहीं, तो डॉक्टर वार्ड बॉय को बुलाता है और उसे बाहर निकलवाता है इससे पहले कि वो पागल हो जाए। और सांगमान उस रोने वाली लेडी को भी अपने साथ चलने को बोलता है और कहता है कि उसे डॉक्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी सांगमान जो अब तक अकेला था, अब उसकी लाइफ में एटलीस्ट दो लोग तो आ ही चुके थे। रात जब वो वॉशरूम जाने के लिए उठता है तो रिसेप्शन पे एक बूढ़े आदमी को देखता है, जो एक नर्स को कतई अच्छे नज़र से नहीं देख रहा था, पर सांगमान उसे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अब तक वो समझ चुका है कि जो भी लोग उसे दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है। तो डर के अपने रूम में भाग जाता है, पर वहाँ भी वो इन तीनों लोगों को, जो एक्चुअल में भूत है, हवा में झूलते या यूं कहूँ कि टंगा हुआ देखता है, तो उनसे पूछता है कि वो कौन है और उन्हें क्या चाहिए, जिस पे वो तीनों बताते हैं कि वो अब से उसके साथ ही रहेंगे और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर उसकी बॉडी अपने अकॉर्डिंग यूज़ भी करेंगे। जिस पे सांगमान बोलता है कि ऐसे कैसे यूज़ करेंगे, ये उसकी खुद की पर्सनल प्राइवेट बॉडी है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है जो यूज़ करेंगे, और वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब आंखें खोलता है तो अपने पास डॉक्टर को देखता है और वहीं बगल वाले बेड पे एक छोटे बच्चे को कूदते देखता है, जो उसकी लाइफ का तीसरा भूत था जिसे वो देख सकता था, चौथा। तो नेक्स्ट सीन में वो सीधा आता है एक तांत्रिक के पास अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लेने, और वो तांत्रिक उसे बताता है कि बार बार मरने की कोशिश करने की वजह से उसकी बॉडी एक ओपन बॉडी बन चुकी है, जिसे वो भूत यूज़ करना चाहते हैं अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए, तो वो उनकी हेल्प करे उनकी विशेष को पूरी करने में, तो वो लोग वहां से चले जाएंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो हमेशा उसके साथ रहेंगे और उसे मरने भी नहीं देंगे। जिसके बाद सांगमान ना चाहते हुए भी उनको अपने घर लेकर जाता है, और वो चारों भी बैताल की तरह उसकी पीठ पर बैठे उसके घर आते हैं, जहां सांगमान के अलावा पहली बार कोई और आया था, वरना तो सांगमान हमेशा अकेला ही रहता है। तो इन चारों भूतों के नाम नहीं बताए गए हैं, तो मैं इन्हें नाम दे देती हूँ, ओल्ड मैन, मिडिल मैन, क्राई बेबी और लिटिल बॉय। तो ये चारों मस्त आराम से सांगमान के घर में फैल के रहते हैं, टीवी देखते हैं, और सांगमान इंटरनेट पे मौत की यानी सुसाइड के तरीके ढूंढता है। और इन चारों के चलते सांगमान की लाइफ में बड़ा विस्फोट होता है, क्योंकि उनके चलते उसे ड्रिंक करना पड़ता है, चॉकलेट खानी पड़ती है, रोना पड़ता है, जो ये चारों उसकी बॉडी को ओवरटेक करके करते हैं। हाँ, मुझे भी पता है कि पोजेस होता है, बट मैं ओवरटेक ही बोलूंगी। और इन सब के चलते झेलना सांगमान को पड़ता है, क्योंकि इतना कुछ खाने की वजह से उसका पेट खराब हो जाता है। भले ही वो मरना चाहता है, पर उसने अपने हेल्थ को कभी भी खराब होने नहीं दिया था, और इसीलिए वो ड्रिंकिंग, चॉकलेट, जंक फूड इन सब से दूर रहता था, लेकिन उनके वजह से उसे ये सब कुछ खाना पीना पड़ रहा था। तो वो उन चारों पे गुस्सा होता है उसे परेशान करने के लिए, और पूछता है कि इस पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, वो उसी के पास क्यों आए, उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए। लेकिन रात में अचानक से उसके घर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, सब कुछ जम जाता है। तो वो फिर से उस तांत्रिक के पास आता है, जो बताता है कि उसने भूतों को गुस्सा दिला दिया है, इसीलिए उन्होंने सब कुछ जमा दिया। अच्छा होगा कि वो उनकी विशेष पूरी करने में हेल्प करे जो वो पूरी नहीं कर पाए थे, और उन्हें उसकी बॉडी भी यूज़ करने दे। पर पहले तो सांगमान उनकी हेल्प करने से मना करता है, ये बोलकर कि उसने भूतों को एप्लीकेशन थोड़ी दिया था।
लेकिन कोई और चारा नहीं था तो वो घर वापस आकर उनसे उनकी विशेष पूछता है और बोलता है कि अगर उसने वो विशेष पूरी कर दी तो फिर उन्हें वापस जाना होगा और एक एक करके उनकी विशेष पूरी करना शुरू करता है। सबसे पहले बारी आती है ओल्ड मैन की, जिसे एक कैमरा ढूंढकर उसे उसके ओनर के पास वापस करना था जो मरने से पहले उसने बोरो किया था। तो सांगमान उसे उन स्टोर्स में लेकर जाता है जहाँ पुराने और सेकेंड हैंड कैमराज मिलते हैं, पर उनमें से कोई भी वो कैमरा नहीं था। तो बेचारा सांगमान थक हार कर पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि उसका कैमरा कहाँ है। तो ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल पता है। तो सांगमान पूछता है कि जब उसे पता था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया, जिस पे ओल्ड मैन बोलता है कि उसने पूछा नहीं तो उसने बताया नहीं। ऐसे तो भूतों को सब कुछ पता होता है, पर जब तक कोई पूछे नहीं वो अपना मुँह नहीं खोलते, क्या पता मुँह से कब क्या ही निकल जाए। और उसे एक पुलिस स्टेशन लेकर आता है। दरअसल वो कैमरा अभी एक पुलिस वाले के पास था और ओल्ड मैन सांगमान की बॉडी को ओवरटेक करके उससे उस कैमरा के बारे में पूछता है, पर पुलिस वाले को लगता है कि वो कोई पागल है। पर सांगमान और ओल्ड मैन उसका हर जगह पीछा करते हैं, इवन तब भी जब वो एक चोर को पकड़ने गया था, लेकिन सांगमान के चलते चोर अलर्ट हो जाता है और वहां से भाग जाता है, जिस वजह से पुलिस सांगमान को जेल में डाल देती है। पर यहां भी ओल्ड मैन की हरकतें चालू रहती है, वही फ्लर्ट करने वाली। पर फंसता तो बेचारा सांगमान है, और जब उस पुलिस वाले की वाइफ उसके लिए टिफिन लेकर आती है तो अगेन ओल्ड मैन सांगमान की बॉडी को ओवरटेक करके उससे उस कैमरा के बारे में पूछता है और बोलता है कि उसे पता है कि वो उस कैमरा को बेचकर उन पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने वाला था, वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है वगैरह वगैरह। और नेक्स्ट सीन में उन्हें एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो एक पेशेंट से मिलते हैं जिसका नाम है पांसु, जो ओल्ड मैन का दोस्त था। और कैंटीन में जाकर सांगमान, जिसे ओल्ड मैन ने ओवरटेक किया हुआ है, ड्रिंक करता है, पर लोगों को तो वो सिर्फ सांगमान ही नजर आता है। तो एक नर्स जिसका नाम यूनसू है, वो सांगमान को हॉस्पिटल में ड्रिंक करने से मना करती है, लेकिन उसे देख कर तो सांगमान का दिल बाग बाग हो जाता है। उसे उस नर्स से यानी यूनसू से पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है, जो चीज़ ओल्ड मैन भी नोटिस करता है, और वो अगेन उसकी बॉडी को ओवरटेक के यूनसू के साथ फ्लर्ट करना चालू करता है, उसे अपने साथ डेट पे चलने को पूछता है। और बाद में सांगमान एम्बेरस होता है और ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या उसे हर फीमेल के साथ फ्लर्ट करना जरूरी है, जिस पे ओल्ड मैन बोलता है कि वो तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। और वही पांसू को देखते हैं एक कैमरा के साथ, यानी सांगमान और ओल्ड मैन ने उस कैमरा को ढूंढ कर उसके ओनर तक पहुँचा दिया था। नेक्स्ट डे सांगमान जब उठता है तो बेड पे क्राई बेबी को उसके बगल में देखता है और पूछता है कि क्या वो लोग भी सोते हैं, जिसके बाद वो लिटिल बॉय से उसकी विश पूछता है, जो उसे मूवी हॉल लेकर आता है एक कार्टून मूवी देखने के लिए। और सांगमान यहाँ यूनसू को भी देखता है जो एक छोटे लड़के के साथ आई थी, दरअसल वो उसका पेशेंट था। और सांगमान यूनसू से पूछता है कि क्या उसे भी कार्टून मूवीज पसंद है, जिस पे यूनसू हाँ बोलती है और उस लड़के के साथ जाने लगती है। पर तभी लिटिल बॉय उस लड़के से जो कैंडी खा रहा था उसकी प्राइस पूछता है, पर शर्मिंदा सांगमान को होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है अब खुद ही देख लो। उसके बाद सभी मूवी देखते हैं और मूवी देखने के बाद लिटिल बॉय सांगमान से एक टॉय खरीदवाता है, और तभी वो फिर से उस लड़के को देखता है जो यूनसू के साथ आया था और उससे कैंडीज मांगता है। लेकिन तभी यूनसू वहां आ जाती है, जो सांगमान को देखती है छोटे बच्चे से कैंडी मांगते हुए, यानी एक बार फिर सांगमान का उसकी क्रश के सामने पोपट हो जाता है। वापस जाते टाइम हम देखते हैं कि लिटिल बॉय सांगमान से खूब सारी शॉपिंग कराता है और सांगमान पूछता है कि इस टॉय की उसे क्या जरूरत थी, वो इसे खेल थोड़ी सकता है। और बोलता है कि जिंदा और मरे हुए लोगों में एक चीज कॉमन है कि दोनों फालतू की शॉपिंग बहुत करते हैं। वेल, इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगी, आई हेट शॉपिंग, खास करके कपड़ों की। जिस पे लिटिल बॉय पूछता है कि उसके मरने का भी क्या फायदा, तो सांगमान बोलता है कि क्या उसे पता भी है जिंदा रहना कितना मुश्किल काम है। जिस पे लिटिल बॉय बोलता है कि क्या उसे पता है कि मर जाना कितना मुश्किल है। और ऐसे ही दोनों की बहस चलती रहती है। अब नेक्स्ट काम था मिडिल मैन की विश को पूरी करना, जो उसे गैराज में लेकर आता है एक कार की चोरी करने के लिए। लेकिन तभी वहां उन्हें गैराज का ओनर मिलता है जो नशे में था। दरअसल उसे उसकी वाइफ पे शक था कि वो उसे चीट कर रही है, क्योंकि वो घंटों कहीं गायब हो जाती थी। और जब वो सांगमान को देखता है तो उसे लगता है कि वो वही आदमी है जिसके साथ उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है, और अब वो उसकी कार चुराने भी आया है। तो वो उसे अपनी कार से कुचलकर मारने की कोशिश करता है और सांगमान अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। और मिडिलमैन से पूछता है कि क्या सच में उस आदमी की वाइफ की लाइफ में कोई है, जिस पे मिडिलमैन हाँ बोलता है। तो सांगमान बहुत हिम्मत करके उस गैराज ओनर से बात करने की कोशिश करता है और बोलता है
है कि वो उसकी वाइफ का पता लगाएगा, लेकिन उसके बदले उसे एक कार चाहिए होगी। इसके बाद वो और मिडिलमैन गराज ओनर की वाइफ का पीछा करते हैं, जो उसी हॉस्पिटल में आती है जहाँ युनसु काम करती है, और उसे युनसु से बातें करते सुनता है और उसे पता चलता है कि गराज ओनर की वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे लंग कैंसर भी है, पर वो अपने हस्बैंड के लिए अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रही क्योंकि उसे बच्चा चाहिए। तो सांगमान वहाँ से चला जाता है, पर युनसु उसे देख लेती है। बाद में सांगमान मिडिलमैन से पूछता है गराज ओनर की वाइफ के बारे में कि क्या वो और उसका बच्चा बचेगा या नहीं, जिस पे मिडिलमैन बोलता है कि उसका बच्चा बिना माँ के होगा, जो सुनकर सांगमान उदास होता है क्योंकि वो ऐसी फीलिंग को समझता है कि बिना माँ के कोई लाइफ नहीं होती। और तभी उसके पास युनसु आती है और वो भी उसे गराज ओनर की वाइफ के बारे में बताती है और खुद का भी ख्याल रखने को बोलती है। और यहाँ पहली बार दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं और युनसु उसे अपना कार्ड भी देती है, जिसके बाद सांगमान गराज ओनर के पास आता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर गराज ओनर अपनी सोच पे शर्मिंदा होता है क्योंकि उसकी वाइफ उससे छुप छुपा कर हॉस्पिटल जाती थी ताकि उसे उसकी बीमारी के बारे में ना पता चले, और वो अपनी वाइफ पे शक करने लगा। और जब उसकी वाइफ वापस आती है तो गराज ओनर उसे सॉरी बोलता है और अपना इलाज करवाने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं सांगमान और मिडिलमैन को उनकी कार मिल जाती है, जो एक्चुअल में एक पुरानी टैक्सी थी जो कभी मिडिलमैन चलाया करता था, लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो मारा जाता है। पर फिर से दोबारा इस कार को चलाकर उसे बहुत मजा आता है और सांगमान को लेकर वो लॉन्ग ड्राइव पे जाता है और बीच पे आता है, और सांगमान भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम बीच पे आया था तो उसे भी अच्छा लगता है। दोनों वहीं थोड़ी देर लाइफ और फैमिली की बातें करते हैं और सांगमान को पता चलता है कि मिडिलमैन की भी फैमिली थी, जिसमें उसके दो बेटे थे और सभी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। तो सांगमान बोलता है कि फैमिली ही सारी मुसीबतों की जड़ होती है, फैमिली की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, प्रॉब्लम होती है, इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, इसीलिए फैमिली तो होनी ही नहीं चाहिए। जिस पे मिडिलमैन बोलता है कि भले ही फैमिली के चलते ये सब कुछ होता हो, पर डिफिकल्ट टाइम में वही फैमिली आपको सपोर्ट करती है। और फिर समुंदर में नहाने चला जाता है और सांगमान को भी अपने साथ ले जाता है, जो जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, पर मिडिलमैन उसे ज़बरदस्ती ले जाता है और स्विमिंग सिखाता है। और दूर से बाकी तीनों भूत यानी ओल्ड मैन, लिटिल बॉय और क्राई बेबी उन्हें देख रहे थे। वेल, वो भूत है, कहीं भी पहुंच सकते हैं। जिसके बाद वो पांचों उसी टैक्सी से वापस जाते हैं और सभी खुश होते हैं। घर वापस आकर सांगमान बहुत खुश होता है, भले ही बीच पे उसने कहा हो कि फैमिली हर प्रॉब्लम की जड़ होती है, पर रियलिटी में वो एक फैमिली चाहता था जिनका वो ख्याल रख सके, जिनके लिए परेशान हो सके। एक दिन वो युनसु के लिए गिफ्ट लेने स्टोर में आता है, जहां वो ढेर सारी कार्टून मूवीज की सीरीज खरीदता है। और जब वापस जाने लगता है तो मिडिलमैन ड्राइव करता है, वैसे करता तो सांगमान ही है पर हमें मिडिलमैन को दिखाया गया है, और ओवर स्पीड होने के कारण ट्रैफिक पुलिस उसे रोकती है और सांगमान से लाइसेंस मांगती है, जो उसके पास नहीं थी। और पुलिस को वो पागल भी लगता है जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, तो उसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और यहाँ भी उसकी अजीब हरकतें चालू रहती हैं। एक्चुअल में वो मिडिलमैन से बातें कर रहा था, पर पुलिस को लगता है कि वो पागल है और फिर से पूछती है कि वो बिना लाइसेंस के गाड़ी क्यों चला रहा था। पर मिडिलमैन सांगमान को ओवरटेक करके बोलता है कि उसके पास तो लाइसेंस है जी, वो टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था और बहुत ही मस्त टैक्सी चलाता था, एकदम मक्खन। पर सांगमान वापस से आता है और बोलता है कि नाजीना, उसके पास कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं है, आज तक उसने गाड़ी नहीं चलाई क्योंकि उसे बचपन से उसे डर लगता है। पर मिडिलमैन बोलता है कि उसके पास लाइसेंस है, और सांगमान बोलता है कि पुलिस ने उसके लाइसेंस के बारे में पूछा है। और दोनों आपस में बहस करते रहते हैं और सभी को लगता है कि ये यानी सांगमान पागल है और उससे किसी गार्जियन को बुलाने को बोलते हैं, जिस पे सांगमान बोलता है कि उसका कोई गार्जियन नहीं है, उसकी फैमिली ही नहीं है। और नेक्स्ट सीन में युनसु वहाँ आती है, जो सांगमान को देखती है खुद ही से फैमिली के ऊपर खुद से बातें करते हुए, जो एक्चुअल में मिडिलमैन से बातें कर रहा था कि दुनिया में सभी की फैमिली होती है, सभी फेस्टिवल वाले दिन फैमिली के साथ खुश होते हैं, वही वो उदास होता है क्योंकि वो अनाथ है। हालांकि चाहता तो वो भी है कि वो एक अच्छी जॉब करे, पैसे कमाए, शादी करे, फैमिली बनाए, लेकिन उसके जैसे लोगों के सपने कभी पूरे नहीं होते। वो अपने सभी फोटोज में अकेला होता है, पर फिर भी उनको इस उम्मीद के साथ देखता है कि उसके साथ उसकी फैमिली भी उस फोटो में है, उसकी इनविजिबल फैमिली, और कहता है कि वो खुद ही से खुद का मदर है और खुद का फादर है। जिसके बाद युनसु उसे हग कर लेती है, दरअसल वो हग नहीं था बल्कि वो उसके हार्ट बीट को सुन रही थी, जो उसकी आदत है। पर पुलिस वाले उन्हें टकटकी लगाए देखे जा रहे थे, देखो तो अभी कह रहा था फैमिली नहीं है और अभी देखो। उसके बाद युनसु सांगमान को उसके घर छोड़ने जाती है खुद से उसकी टैक्सी ड्राइव करके, और कहती है कि उसने फैमिली पे उसके व्यूज सुने, लेकिन अगर कभी उसे लाइफ में मौका मिले अपनी लाइफ से कुछ चीज हटाने का, तो वो सबसे पहले फैमिली हटा देगी। उसके बाद उसे उसके घर तक ड्रॉप करती है और कुछ कैंडीज देती है, ये बोलकर कि वो आगे से किसी छोटे बच्चे से कैंडी ना मांगा करे। और जब वहां से जाने लगती है तो मिडिलमैन सांगमान को याद दिलाता है उन कार्टून मूवीज के बारे में,
जिसके बाद सांगमान योनसू को वो सारी मूवी की सीरीज देता है और कहता है कि ये उसके घर में पड़ी हुई थी, क्योंकि उसे भी कार्टून मूवीज पसंद है तो वो उसे दे रहा है। जिसके बाद योनसू उसे थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगती है, तो मिडलमैन फिर से सांगमान को बोलता है कि वो कैसा लड़का है जो एक लड़की को भारी सामान देकर अकेले जाने बोल रहा है, वो जाए और जाकर उसकी यानी योनसू की हेल्प करे। जिसके बाद सांगमान योनसू को छोड़ने उसके साथ जाता है और बस में उसे पूछता है कि उसने पुलिस स्टेशन में उसे हग क्यों किया था, जिस पे योनसू बोलती है कि उसने हग नहीं किया था बल्कि वो उसकी हार्ट बीट सुन रही थी जो बहुत ही हेल्दी है। तो सांगमान उसकी भी हार्ट बीट सुनने लगता है, अरे पागल आदमी। और जब योनसू को छोड़कर वापस आता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि फाइनली उसे भी कोई मिल ही गई, और मिडलमैन उसे टीज करता है। नेक्स्ट डे सांगमान क्राई बेबी से उसकी विश पूछता है, जो बताती है कि वो कुछ लोगों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना चाहती है। तो सांगमान बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोगों के नाम बताए वो लिस्ट बना देगा, पर क्राई बेबी बोलती है कि वही तो वो उसे नहीं बता सकती। तो सांगमान बोलता है कि अगर ऐसा है तो सिर्फ वो दोनों ही साथ डिनर कर सकते हैं, जिस पे क्राई बेबी उसे एक और इंसान को इनवाइट करने को बोलती है और लेकर आती है उसी हॉस्पिटल में जहाँ योनसू काम करती है, यानी वो योनसू को भी इनवाइट करना चाहती थी। और सांगमान इतना नर्वस होता है कि वो उससे बोलता है कि वो किसी काम से इधर आया था तो उसे मिलने चला आया, और तभी वहाँ पे योनसू के फादर आते हैं जो वहीं हॉस्पिटल में एडमिट थे, और सांगमान से पूछते हैं कि क्या वो उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड है, क्या वो उससे शादी करने वाला है, जो सुनकर सांगमान शर्मा जाता है। पर योनसू अपने डैड से ऊंची आवाज में बात करती है और उन्हें वहां से चले जाने को बोलती है, जिस पे सांगमान उसे अपने फादर से ऐसे बात करने से मना करता है, और योनसू बोलती है कि उसकी मर्जी, वो अपने फादर से चाहे जैसे बात करे और उसे उसके फादर के बारे में क्या ही पता है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया है। पर सांगमान बोलता है कि चाहे जो भी हो वो दोनों एक दूसरे की फैमिली है, जिस पे योनसू बोलती है कि वो बस फैमिली फैमिली करता है क्योंकि उसकी खुद की कोई फैमिली नहीं है, इसीलिए उसे नहीं पता कि फैमिली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और उसे उसके मामलों से दूर रहने को बोलती है। और सांगमान घर वापस आकर गुस्से में अपने सारा सामान, अपने पुराने कपड़े, यहाँ तक कि वो टीवी भी जिसे चारों भूत दिन रात देखा करते हैं, सब दान में देने चल देता है। पर मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसा गुस्सा। और जब क्राई बेबी उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो गुस्से में उसे बोलता है कि वो उसका सामान है तो वो चाहे जो करे, और बोलता है कि वो चिंता ना करे, वो बिना उसकी विश पूरी किए इस दुनिया से नहीं जाएगा, यानी कि फिर से उसके अंदर मरने की इच्छा जगने लगी थी। जबकि इन चारों लोगों के साथ रहते रहते और योनसू से मिलने के बाद उसके अंदर एक होप जगी थी, पर फैमिली को लेकर योनसू की राय सुनने के बाद वो होप मर चुकी है। रात सांगमान के दरवाजे पे नॉक होता है और वो देखता है कि उससे मिलने योनसू के डैड आए हैं, जो अपना एक मैसेज सांगमान के थ्रू योनसू तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि योनसू के फादर की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में सांगमान योनसू के पास आता है और उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता है, और उसके डैड भी उसके पास आए थे जिन्होंने उसे सॉरी बोला है। पर योनसू बोलती है कि वो अपने डैड को पसंद नहीं करती थी, बचपन से उसकी आदत है लोगों के हार्ट बीट को सुनने की, पर उसकी मॉम एक हार्ट पेशेंट थी और एक दिन उनके दिल की धड़कन बंद होने लगी, और तब उसके डैड उनके साथ नहीं थे, वो गैम्बलिंग में बिजी थे, जबकि उनकी फैमिली को उनकी ज़रूरत थी। और उसके बाद उसकी मॉम इस दुनिया से चली जाती हैं, जिसके बाद उसका उसके डैड के साथ रिश्ता खराब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में योनसू को पांसू के साथ देखते हैं जो उसके डैड के साथ एडमिट था, और बोलता है कि अब से वो अपना वार्ड चेंज कर ले और उन लोगों की सेवा करे जिनके जीने की कोई उम्मीद बची हो, और उसे अपना कैमरा देता है सांगमान को वापस देने के लिए। वहीं सांगमान क्राई बेबी को मार्केट लेकर आता है शॉपिंग कराने के लिए ताकि वो उसके लिए डिनर बना सके, और इन सब से क्राई बेबी बहुत एक्साइटेड होती है। रात योनसू वो कैमरा सांगमान को लौटाने आती है तो वो उसे भी डिनर के लिए रोक लेता है, और योनसू उससे पूछती है कि क्या वो हर रोज इतनी ज्यादा कुकिंग करता है। तो ओल्ड मैन बोलता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके लिए हर रोज कुक करना चाहते हैं, क्योंकि आपको उस इंसान के साथ बैठ के एक साथ खाने में अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है। और क्राई बेबी सॉरी बोलती है कि वो हर रोज उसके लिए खाना बनाना चाहती है पर वो ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद योनसू सांगमान से पूछती है कि क्या वो अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखता है या नहीं, जिस पे मिडलमैन बोलता है कि बिल्कुल रखता है, आखिरकार वो घर का हेड है और हेड ऑफ द फैमिली को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि ये सारे जवाब सांगमान नहीं दे रहा था बल्कि उसकी बॉडी को ओवरटेक करके बाकी सभी दे रहे थे, पर योनसू के लिए वो सांगमान ही था, इसीलिए वो उसके बिहेवियर से कंफ्यूज होती है और पूछती है कि वो आखिर है कौन। इसमें सांगमान फिर से उसके डैड के बारे में बातें करने लगता है कि उन्होंने बताया था कि बचपन में वो उसके हीरो थे, पर बाद में भले ही दोनों के रिश्ते चाहे जैसे भी हों पर उन्हें खुशी है कि अपने आखिरी समय में वो उसके पास थे और वो उसे कुछ देना भी चाहते थे जो उन्होंने उस जगह पर संभाल कर रखी है जहाँ हॉस्पिटल में वो उनसे अक्सर मिला करती थी।
तो यूनसु पूछती है कि क्या सच में वो मरे हुए लोगों को देख सकता है और क्या अभी भी उनके आसपास कुछ वैसे लोग मौजूद हैं, और बोलती है कि जहां वो काम करती है वहां वो अक्सर लोगों को मरते देखती है, वहीं वो है जो मरे हुए लोगों को देख सकता है, उनसे बातें कर सकता है, जो चीज़ उसके लिए अजीब है, और वहां से चली जाती है। इन शॉर्ट कि उसके प्रोफेशनल लाइफ में भी मरे हुए लोगों से डील करना और पर्सनल लाइफ में भी मरे हुए लोगों के साथ कनेक्शन रखना उसे अजीब लगता है। और यूनसु के चले जाने के बाद सांगमान बाकी चारों से गुस्से में बोलता है कि उसने उन सभी की विशेष पूरी कर दी हैं, तो अब वो लोग वहां से चले जाएं। और नेक्स्ट डे से फिर से उसकी अकेली दुनिया चालू हो जाती है, जहां पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं था, ना तो वो चारों लोग ही थे और ना ही यूनसु थी। और वो फिर से सुसाइड करने की कोशिश करता है खुद को कार में लॉक करके। उसे जीने की एक होप यूनसु से मिल रही थी, पर अब जब वो उसकी दुनिया में नहीं है तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। इधर यूनसु हॉस्पिटल की छत पे आती है, जहां वो अक्सर अपने डैड से मिला करती थी, और वहीं वो एक बॉक्स देखती है जिसमें शूज थे जो उसके डैड उसे देना चाहते थे। यहां यूनसु फाइनली अपने डैड के लिए रोती है, क्योंकि वो समझ गई है कि उसके डैड अपनी गलती पे शर्मिंदा थे और उसे माफ़ी चाहते थे। वो चाहती तो वो उन्हें माफ़ कर सकती थी, आखिर वो उसकी फैमिली थे, पर उसने ऐसा नहीं किया और अब बहुत देर हो चुकी है, वो इस दुनिया में अकेली रह गई है। एक सीन में सांगमान उसके पास आता है उसके लिए लंच लेकर, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और बाद में उससे माफ़ी मांगती है अपने रूड बिहेवियर के लिए। और सांगमान बताता है कि वो सारे भूत उसके घर से जा चुके हैं, वो उसे भी पसंद नहीं थे क्योंकि उन्होंने उसे बहुत परेशान किया, पर अब जब वो नहीं है तो उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज नहीं होगी। और बताता है कि हर बार की तरह इस बार भी वो सुसाइड करने गया था, पर पहले हर बार उसे ऐसा लगता था कि किसी ने उसे जगा दिया, जिस वजह से वो नहीं मर पाया और उसे गुस्सा आता था, पर इस बार उसे ऐसा लगा कि उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा नजर आ रहा था, तो उसने खुद से खुद को रोक लिया और पहली बार जीने की कोशिश की, और अब से वो उसके साथ जीना चाहता है, जो सुनकर यूनसु खुश होती है क्योंकि वो भी सांगमान को लाइक करती है। और बताती है कि जो कार्टून मूवीज की सीरीज उसने उसे दी थी, उसमें कुछ प्लस मूवीज की भी सीरीज थी, जिसपे सांगमान उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि वो सीरीज उसकी नहीं हो सकती, और यूनसु स्माइल करती है, और सांगमान तो समझ जाता है कि ये हरकत सिर्फ ओल्ड मैन ही कर सकता है। फिर दोनों लंच करते हैं और यूनसु उसे पूछती है कि वो अपनी कुकिंग में पालक की जगह मिनारी क्यों यूज करता है। मीनारी हमारे यहाँ भी होते हैं, पर हमारे यहाँ उसे ब्राह्मी बोलते हैं, जो पानी के आसपास होते हैं। वैसे पानी के आसपास मीनारी और ब्राह्मी दोनों ही होते हैं, पर हमारे यहाँ जो मिलते हैं उनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो सिंगल हार्ट शेप की होती है, वहीं बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो मिलते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। मैं पिक्चर डाल दूंगी, आप समझ जाओगे इतना डिफरेंस है। स्टिल उसे सेम क्यों बुलाते हैं मुझे नहीं पता, मे बी दोनों का सोर्स पानी है इसलिए। ओके, बैक टू स्टोरी। तो सांगमान बताता है कि उसकी मॉम बताती थी कि मीनारी ब्लड के लिए अच्छा होता है, लेकिन तभी उसे उसकी मॉम की एक झलक आती है और हमें पता चलता है कि क्राई बेबी ही उसकी मदर थी, जो बचपन में उसे अलग अलग डिशेस बनाकर खिलाया करती थी, और बचपन में वो उसे जैसे उठाती थी आज भी उसे वैसे ही उठाया करती थी। उसकी मॉम का सपना था कि जब वो बड़ा हो जाए तो वो उसके साथ शॉपिंग पे जाया करे, उसके लिए खाना बनाया करे। वहीं लिटिल बॉय उसका बड़ा भाई था जो उसे कार्टून मूवी दिखाना चाहता था, पर तब उसके पास पैसे नहीं थे, और मिडिल मैन और ओल्ड मैन उसके फादर और दादाजी थे। उसके डैड एक टैक्सी ड्राइवर थे जिन्होंने अपनी खुद की एक टैक्सी खरीदी थी, जिसमें वो अपनी फैमिली को ट्रिप पे बीच पे ले जाना चाहते थे और अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाना चाहते थे, और दादाजी वही कैमरा अपने फ्रेंड यानी पांसो से बोरो करके लाते हैं ताकि ट्रिप पे फोटोज ले सके। पर जब वो ट्रिप के लिए बीच पे जा रहे थे तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सांगमान की पूरी फैमिली मारी जाती है सिवाय उसके, और तब वो पुलिस वाला उस कैमरे को अपने पास रख लेता है। और सांगमान तब इतना छोटा था कि शौक की वजह से ये सब कुछ भूल गया, और उसे हमेशा लगा कि वो एक अनाथ है, उसे ना तो वो एक्सीडेंट याद था और ना ही उसकी फैमिली याद थी। जिसके बाद सांगमान अपने घर वापस आता है और अपने मॉम डैड भाई और दादाजी को वापस बुलाता है, उन्हें सॉरी बोलता है ना पहचानने के लिए, और बैग करता है कि वो फिर से उसे छोड़कर ना जाए। और तब उसके पास लिटिल बॉय यानी उसका बड़ा भाई आता है, जो उसे वो टॉय जो उसने उससे खरीदवाई थी वो दिखाते हुए बोलता है कि ये उसने खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए खरीदवाई थी, क्योंकि उसे बच्चों जैसी चीज़ें पसंद है, इसीलिए वो उसे हमेशा अपने साथ रखे और किसी और के साथ शेयर ना करे। और वो ओल्ड मैन यानी उसके दादाजी पूछते हैं कि क्या उसने यूनसु को अपना लव कन्फेस किया या नहीं, क्योंकि अगर वो लेट करेगा तो कोई और उसे ले जाएगा। और मिडिल मैन यानी उसके डैड बोलते हैं कि वो काफी बड़ा हो चुका है तो अपनी सेहत का ख्याल रखा करे और जल्दी से ड्राइविंग भी सीख ले। हालांकि वो कहते हैं कि ड्राइविंग वो खुद उसे सिखाएंगे, पर अब ये पॉसिबल नहीं है। और पता नहीं क्यों कोरियन कॉमेडी मूवी शुरू तो कॉमेडी से होती है पर एंड आते आते इमोशनल क्यों हो जाती है। आई हेट दिस बिकॉज इट्स रेनिंग।
और क्राई बेबी यानी उसकी मॉम उसे सॉरी बोलती हैं उसे जल्दी छोड़कर जाने के लिए इस दुनिया में, उसे अकेला छोड़ने के लिए, और बोलती हैं कि भले ही उसे लगे कि वो इस दुनिया में अकेला है पर उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसके दादाजी हमेशा उसके साथ हैं, वो कभी भी अकेला नहीं है, इसीलिए वो खुशी से जिए। और यूनसू उन्हें भी अच्छी लगती है तो वो जल्दी से उसे अपना लव कन्फेस करे और अपनी फैमिली स्टार्ट करे और हमेशा उन्हें याद रखे। उसके बाद देखते हैं कि पांचों एक साथ उसी कैमरा से एक फैमिली फोटो लेते हैं जिसमें ऑफकोर्स सिर्फ सांगमान ही दिखता है, पर ना दिखते हुए भी उसकी फैमिली भी उसमें होती है। यहाँ तक कि अब तक उसने जितनी भी फोटोज ली थी, चाहे वो उसके मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन की हो, हाई स्कूल ग्रेजुएशन की हो, उन सभी फोटोज में उसकी फैमिली भी उसके साथ मौजूद थी, यानी वो कभी भी अकेला नहीं था। और आगे फ्यूचर में भी जब वो यून सू से शादी करता है, अपनी फैमिली स्टार्ट करता है, तो हर टाइम उसकी फैमिली उसके साथ होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायनारा।